संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने बुधवार को कोविड पीड़ितों का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और मांग करते हुए कहा कि सरकार को मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जिसमें राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते और सरकार से कोविड पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा बताने और पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने की मांग करते नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की पीड़ा समाप्त कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। आपको दें कि कोविड की मौत के मामले में मुआवजे के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को अपने स्वीकृत प्रक्रिया से भटकने और इसके बजाय मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के वितरण के लिए एक जांच समिति का गठन करने के लिए फटकार लगाई थी। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से कोविड पीड़ितों का मुद्दा उठा लिया है और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सही आंकड़े सरकार बताए कि कोरोना काल में कितने लोगों की मौत हुई थी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को जिनके लोग की वजह कोरोना की वजह से जिनकी जान चली गई थी उन परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की सब ने ये कहा कि कोविड के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर मिला। पहला तो नंबर लेब नीज नहीं के मां 4-4 दिवसे लेब नो रिपोर्ट आयो त्यारे आ વધારે તકલીફ થઈ ગઈ। જો બીજે દિવસે કે 24 કલાક માં એ રિપોર્ટ આવ્યો હોય તો તાત્કાલિક સારવાર માં લેબ ની સુવિધા ની પેલી। अहमदाबाद जो मेगा सिटी है यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहीं पर है और हम लोगों को यहाँ अहमदाबाद में हॉस्पिटल नहीं मिला कि हमको आनंद जाना पड़ा। अहमदाबाद के जो हिम्मतनगर के जो कोई जगह ट्रीटमेंट ना मिली, गाड़ी में साहब नहीं सेवा करी मारा छोकरा नहीं पर साहब कोई कोई ने सपोर्ट ना ले साहब। 2 दिवस वेंटिलेटर मते तो मारो भाई अत्यारे सही सलामत होते। जगह ने वेट करता रहा त्या मारा मम्मी ने ઓક્સિજન લેવલ ઘટી ગયું એના માટે મારા મમ્મી એક્સપાયર થઈ ગયા અને વેન્ટિલેટરની ખૂબ જ જરૂર હતી, વેન્ટિલેટર અવેલેબલ હતું નહીં। તો જબ આપને ઉનકી મદદ કરની થી, હસ્પતાલ મે મદદ કરની થી તો આપ નહીં થે ઓર જબ પરિવાર મે કિસી કી મૃત્યુ હોઈ 10-15 લાખ રૂપિયા ઉનકા બરબાદ હુઆ ઓર જબ ઉનકો કોમ્પન્સેશન કી જરૂરત હે તબ ભી આપ નહીં। કિસ પ્રકાર કી સરકાર હે? गुजरात की सरकार कहती है कि कोविड के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है गुजरात में। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की यह है 3 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में गुजरात की सरकार कहती है 10,000, सच्चाई 3 लाख। चलिए बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद। देवेंद्र जी आज राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है और एक बार फिर से सरकार पर जो है कोरोना के समय में जितने लोगों की जान गई थी सही आंकड़ा बताने की उन्होंने गुजारिश की है, क्योंकि ये बार बार सवाल उठाया जाता था कि सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत हुई वो आंकड़ा छिपाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा राहुल जी का क्वेश्चन, मैं स्वागत करता हूं इस क्वेश्चन का। और मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय इस देश की वैक्सीन 6 करोड़ वैक्सीन राहुल गांधी और उनकी मदर, आप उनकी माता का नाम सुन रही हैं सोनिया गांधी और उनकी बहन जी, तीनों ने मिलकर बताया था कि ये वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको लगवाया ना जाए लोगों की मौत होगी। उस समय जब वो अमृत का काम कर रही थी, 6 करोड़ की बात कर रहा हूं, किस किस क्रीज का जवाब देंगे लोग ये क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं है। अगर इन्हें हास्यपर्द क्वेश्चन करने का शौक है तो जवाब सुनने का शौक रखिए। नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गए थे उस दिन, और राहुल जी को याद आगा आज कोरोना काल, उस समय जब विश्व के पटल पर भारत की बात हो रही थी और भारत के लोगों को जरूरत थी राहुल गांधी जैसे नेताओं की, विपक्ष में बैठकर जो काम करना चाहिए था उस समय इन सबकी नैतिकता जब खत्म हो चुकी थी, आज इनको सांस आने लगी है, आज इनको याद आने लगा कोरोना काल, क्या क्या इन लोगों ने कोरोना काल में किया। अरे हिसाब वो लोग मांगते हैं जो कुछ करते हैं, 60 वर्ष का हिसाब इनसे अगर कोई मांगने लगे
तो इनका नाम और निशान मिट जाएगा इस देश। देवेंद्र जी देखिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, ये सवाल तो आम जनता ने भी उठाया था और आरोप एक तरह से लगाया था जनता ने भी कि सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हर किसी को पता है किस तरह से देश में कितनी ज्यादा संख्या में लोगों की जान गई थी, तो क्या अब सरकार सही आंकड़े बताएगी? क्योंकि देखिए इसी मुद्दे को लेकर जो अब संसद का सत्र होने वाला है, विपक्ष घेरने की भी तैयारी में है सरकार को। देखिए आम जनता के लिए सरकार बनी है, आम जनता का स्वागत है, आम जनता जो चाहेगी सरकार वो बताएगी, निश्चित आंकड़े बताएंगे, निश्चित अपने काम बताएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना काल संकट के दौरान जिस तरह से भारत ने स्वयं को स्थापित किया है, जिस तरह से हमने रिकॉर्ड बनाए, 1 दिन में 3 करोड़ वैक्सीन लगाकर और हमने सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा कर जिस तरह भारत को स्थापित किया है और दुनिया में खुद के साथ साथ अपनी जनता को बचाने का काम किया है, निश्चित हम जनता के सवाल का जवाब जो है ईमानदारी से देंगे। लेकिन राहुल जैसे नेताओं पर ठीक है, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इतने बड़े स्तर पर किया है वो एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी पहल भी है, लेकिन इससे जो आपके जो पिछले कोरोना की दूसरी लहर के समय में विफलताएं थी सरकार की वो नहीं कहीं छिपेंगी? देखिए विफलता और सफलता इन पर चर्चा करने के लिए एक पॉजिटिव समय का इंतजार करना होता है, आप पॉजिटिव समय आने दीजिए। अभी तो हम वैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, तो हम भी लड़ेंगे इस लड़ाई को, हम जवाब भी देंगे, हम तथ्य के साथ साबित भी करेंगे। लेकिन कितना समय और लगेगा, ये तो आंकड़ा ही तो बताना, ये तो बहुत पुरानी बात अब हो चुकी है, आंकड़ा बताने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये दैहिक आपदा है, दैविक नहीं है जी। ये मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो राहुल सर कह रहे हैं इसका जवाब हमें देना, दैविक आपदा का मतलब है जब ईश्वर की मर्जी से कोई आपदा पड़ती है तो वो दैविक आपदा होती है, और दैहिक आपदा का मतलब है कि हमारे कर्मों की वजह से, हमारी कमी की वजह से आई हो, ये दैविक है। अगर दैहिक होती तो हमारी जिम्मेदारी बनती, अभी ये कोरोना काल हमारे हाथ में नहीं है, पूरा विश्व जो छूझ रहा है, पूरी विकसित कंट्रियां से छूझ रही है, और भारत की स्थिति में स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। हमने स्वयं को संभाला है, अपने पड़ोसियों को संभाला, कमजोर की भी मदद की है, और इस कोरोना काल में जिस स्थिति से निकलकर भारत ने अपने आप को स्थापित किया है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विश्व ने सराहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के डेप्यूटेशन सांसद ने आकर चर्चा की है, तारीफ की है, तो अभी हम जो है कहीं जवाब देने की जरूरत समझ नहीं रहे, और जब जरूरत पड़ेगी तो निश्चित आपको तथ्य के साथ जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, जब समय आएगा जवाब दीजिएगा, लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना कि आंकड़ों में हेरफेर की गई थी और आंकड़े छुपाए गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो फिर आपको किस चीज का जवाब देने के लिए समय चाहिए? बराबर डिबेट्स में रहता हूँ, बराबर जवाब देता हूँ, तत्व के साथ देता हूँ। लंबे डिबेट्स में आप चर्चा कीजिए, मुझे 1 घंटे के लिए बैठाइए, बिल्कुल एक एक चीज साबित कर दूंगा। आपको बैठाएंगे, लंबे समय के लिए भी बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक जवाब दे दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि हमें समय के साथ हम जवाब देंगे, समय आने पर देंगे, जब आंकड़े छिपाए नहीं गए तो फिर समय किस बात का आप मांग रहे हैं? समय हम इसलिए मांग रहे हैं कि समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी है कोरोना काल में, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वर्ष जिस तरह से भारत में एक भी इंसान भूखा नहीं सोने दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक भी व्यक्ति बिगड़ दवाई के नहीं मरने दिया, और जो राशन से लेकर फ्री वस्तुएं हम लोगों ने दी हैं उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये लोग 60 वर्षों से इस देश के अनाज को और गरीब कमजोर के हिस्सा को खाते रहे जब कोरोना काल नहीं था, और इन्होंने 100 पेट्रोल डीजल 90 जब बेचा जब इस देश में कोरोना काल नहीं था, इन लोगों ने 300 रुपए किलो प्याज जब इस देश में बेच दी जब कोई आपदा नहीं थी, तो इनसे किस किस चीज का जवाब मांगोगे आप? आज हमारे साथ जो घटना घटी है वो आपदा का विषय है, मैं इस पर हर चीज पर चर्चा करने को तैयार हूँ, लेकिन तथ्य के साथ जब कोई बैठेगा तो बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि जो बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि समय आने पर जवाब देंगे, वो समय जल्दी आएगा और आप जवाब देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें बीजेपी नेता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो राहुल गांधी की इस वीडियो पर और आंकड़े पूछे जाने पर ये कहते नजर आए कि समय जब आएगा तो सही बातें फैक्ट्स के साथ रख दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि कोविड में मौत के मामलों पर इससे पहले भी काफ़ी बयानबाजी हुई थी, सवाल उठाए गए थे, और एक बार फिर से अब आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें
ये कांग्रेस ने कोविड पीड़ितों का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है।